हेलो दोस्तों, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस सीरीज में हम सभी इंडियन स्टेट्स की ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान को कवर कर चुके हैं और आज हम जानेंगे पंजाब स्टेट के बारे में। यह स्टेट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में स्थित है। यह एक बड़े पंजाब रीजन का पार्ट है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद डिवाइड हो गया था। यह स्टेट इंडिया के चार स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान, और इसका बॉर्डर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भी लगता है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की ज्वाइंट कैपिटल है। यहाँ के स्टेट सिंबल की बात करें तो ब्लैक बक यहाँ का स्टेट एनिमल है, बाज यहाँ का स्टेट बर्ड है और शीशम यहाँ का स्टेट ट्री है। पंजाब ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है और पर्याप्त मात्रा में इरिगेशन फैसिलिटीज, पानी के सोर्सेज और फर्टाइल एलुवियल सॉइल होने के कारण एग्रीकल्चर यहाँ के लोगों की मेन ऑक्यूपेशन है और इसीलिए पंजाब को ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। पंजाबी यहाँ की मेन लैंग्वेज है और सिखिज्म मेजर रिलीजन। पंजाब में कोई भी ट्राइब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ के दो डांसेस बहुत फेमस है, भांगड़ा और गिद्दा। अब जानते हैं हम पंजाब के ज्योग्राफिकल डिविजन्स के बारे में। इसे चार रीजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला रीजन है मांझा, जो कि ब्यास रिवर के वेस्ट में पड़ता है और शहर जैसे कि अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर और तरन तारण इस रीजन में आते हैं। दूसरा रीजन है दुआबा। दुआब शब्द का मतलब है लैंड बिटवीन टू रिवर्स और जैसे कि हम देख सकते हैं कि यह रीजन ब्यास और सतलुज के बीच में आता है, इसीलिए इसको दुआबा रीजन बोला जाता है। इसमें शहर जैसे कि जलंधर, नवांशहर, होशियारपुर, कपूरथला जैसे एरियाज प्रेजेंट है। पूरा साउथ पंजाब को बोलते हैं मालवा रीजन और इसमें ज़्यादातर शहर भटिंडा, अभोर, कोट कपूरा, राजकोट जैसे शहर प्रेजेंट है। और चौथा रीजन आता है पुआध रीजन, जो कि फतेहगढ़ साहिब, मोहाली और राजपुरा जैसे इलाकों से मिलकर बना है। अगर हम यहाँ पे रिवर्स की बात करें तो अगर हम पंजाब शब्द का संधि विच्छेद करें तो पंज मतलब होता है पांच और अब मतलब होता है रिवर्स। तो पूरा पंजाब एरिया जो कि पाकिस्तान और इंडिया का कंबाइंड एरिया है, इसको इसका नाम इसीलिए मिला है क्योंकि यहाँ पर पांच रिवर्स फ्लो करती हैं, जो कि हैं रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम और चेनाब। पर आफ्टर पार्टीशन इंडिया में सिर्फ इंडियन पंजाब में सिर्फ तीन रिवर्स फ्लो करती हैं, जो कि हैं रावी, ब्यास और सतलुज। आप इनका फ्लो यहाँ पर देख सकते हैं, रावी, ब्यास और सतलुज रिवर। यहाँ पंजाब स्टेट में कोई भी नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। एक वेटलैंड है जिसका नाम है हरी के लेक और हरी के पत्तन के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह एक रामसर वेटलैंड साइट है और यह एक बर्ड सेंचुरी भी है। अगर हम इसकी लोकेशन को ट्रेस करें तो यह तरन तारण डिस्ट्रिक्ट और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पंजाब अपना बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, तो दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट ने रिलेशन अच्छे करने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स बनाए हैं। 1971 की वॉर के बाद शिमला एग्रीमेंट के तहत पीस मेंटेन करने के लिए समझौता एक्सप्रेस चलाई गई, जो कि लाहौर इन पाकिस्तान से अटारी, जो कि अमृतसर शहर के बहुत नज़दीक है, चलती है। उसके बाद दिल्ली से लाहौर के बीच एक पैसेंजर बस सर्विस चलाई गई 1999 में, जो कि वाघा से होकर गुजरती है और यह सिर्फ एकमात्र लीगल क्रॉसिंग पॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि इंटरनेशनल ट्रेडर्स के लिए ओपन है। अभी रिसेंटली हमें यह बात न्यूज़ में है कि करतारपुर कॉरिडोर प्रपोज्ड है बिटवीन
सिख श्राइन्स ऑफ देरा बाबा नाना साहिब इंडियन साइड पर और गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर साहिब पर। इसको नेक्स्ट ईयर यानी कि 2019 तक कंप्लीट करने का प्रपोजल है। इसके बाद इंडियंस विदाउट वीज़ा दरबार साहिब करतारपुर गुरुद्वारा तक जाने में समर्थ होंगे। तो यह था पंजाब के बारे में। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।